Assalamualaikum. Welcome to vlog number 2. Assalamualaikum. World City of Lahore. और ये vlog number 2 का first episode है. बेसिकली ये एपिसोड जो है वो मैंने पहले से कवर अप कर लिया था. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वर्कलोड की वजह से मैं उसको एडिट नहीं कर पाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने उसको एडिट कर लिया. तो ये मैंने एक एडिशनल क्लिप ऐड किया. तो बेसिकली इस व्लॉग में वजीर खान मॉस्क को हमने कवर किया था, उसकी हिस्ट्री के बारे में और उसके आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा बताया था. तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है. वीडियो बनाने में भी और इससे ज्यादा वीडियो एडिट करने में भी बहुत ज्यादा एफर्ट लगती है. तो आई को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का तबाह कर लाइक और शेट ठोक लीजिए. पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चले. आइए चलते हैं हम अपने ब्लॉग की तरफ. आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोग कवर करने जा रहे हैं जिनमें बादशाही मस्जिद है, वजीर खान मस्जिद है और बाकी कुछ ऐसी जगह. सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आए हैं वजीर खान मस्जिद को कवर करने के लिए, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त आर्किटेक्चर पर बिल्डअप हुई है. और हम देखते हैं कि क्यों वजीर खान मस्जिद ना सिर्फ लाहौर की बल्कि पाकिस्तान की वन ऑफ द फेमस मस्जिद मानी जाती है. तो जैसा कि हम यहाँ पे आए हुए हैं वजीर खान मस्जिद में, ये वजीर खान मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. इस मस्जिद को बनाने वाले चीफ फिजिशियन थे मुग़ल कोर्ट के, जिनका नाम था हकीम इलामुद्दीन अंसारी, जिनको वजीर खान के नाम से जाना जाता था. और ये वजीर खान जो हैं बाद में पंजाब के गवर्नर भी बने 1639. आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो उस लिहाज से ये एक थोड़ी मुनफरिद मस्जिद है, क्योंकि साउथ एशिया में ये पहली मस्जिद थी जिसके साथ साथ एक बाज़ार का भी कॉन्सेप्ट आया. इसके चार मीनार हैं, ये आपको दिखाए जा सकते हैं. 107 फीट इनकी हाइट है और इसके साथ साथ एक बाज़ार पूरा बनाया गया जिसमें 22 दुकानें हैं. उसको 400 बाज़ार भी कहते हैं और कैलीग्राफर्स बाज़ार भी कहते हैं. तो ये पहली मस्जिद थी जिसके साथ साथ बाज़ार का भी कॉन्सेप्ट आया और वो साउथ एशिया में ऐसा पहली मरतबा हुआ था. तू कुजा मन को